हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या खास है, क्या सीखने वाले हैं, ये आपको बताता हूं। यहां पर एक शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे हम, जिससे आप ऑटोमेटिकली डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगा डेटा उस शॉर्टकट की को प्रेस करने के बाद। आपका लंबा चौड़ा प्रोसीजर जो है वो खत्म हो जाता है इस शॉर्टकट की को प्रेस करने के बाद। तो चलिए ये समझते हैं कि वो शॉर्टकट की है क्या और इसको कैसे हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर जिस भी चीज के हिसाब से आपको शॉर्ट करना हो, जैसे मान लीजिए कि आपको नेम के बेस पे शॉर्ट करना है, तो ये नेम वाला हिस्सा हेडिंग जो है सेलेक्ट रखिए। अगर आप टोटल के बेस पे शॉर्ट करना चाहते हैं तो टोटल को सेलेक्ट कर लीजिए। जिसके भी बेस पे आपको शॉर्ट करना हो उस वाले हेडिंग को आप सेलेक्ट कर लीजिए। और आपको जैसे मान लीजिए नेम के बेस पे शॉर्ट करना है, ठीक है, तो आप नेम को सेलेक्ट करके और आपको प्रेस करना है पहले अल्ट, फिर प्रेस करना है ए, फिर प्रेस करना है एस और फिर प्रेस कर दीजिए ए। तो जैसे ही आप करेंगे तो ये देखिए शॉर्टिंग आपकी हो चुकी है और ऑटोमेटिकली ये वाला डेटा, ये वाला हिस्सा भी चेंज हो गया है उसी के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग शॉर्टिंग हुई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको टोटल के बेस पे शॉर्ट करना हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको यहां पे अल्ट प्रेस करना है, फिर ए प्रेस करना है, फिर एस, फिर ए। तो देखिए टोटल के बेस पे अब शॉर्टिंग हो गई। तो इस तरीके से आप शॉर्टिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है शॉर्टकट की मदद से। आई होप की बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।